दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्प्लिट मोल्ड के बारे में और हम जानेंगे स्प्लिट मोल्ड कैसे होते हैं और कैसे फंक्शन करते हैं। दोस्तों इसके साथ ही हम जानेंगे कि डॉग लेग कैम, कैम ट्रैक या फिंगर कैम मोल्ड क्या होते हैं और कैसे यह स्प्लिट को एक्चुएट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और जो लोग नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशनल और टेक्निकल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल GIT में, जहां पे आज हम अपने टी टेक्नोलॉजी सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं स्प्लिट मोल्ड्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि स्प्लिट मोल्ड होता क्या है। दोस्तों इस प्रकार का जो मोल्ड होता है वह प्रयोग होता है एक्सटर्नल अंडरकट या ग्रूव को आसानी से इजेक्ट करने के लिए, यानी कि आसानी से डीमोल्ड या इजेक्शन के लिए स्प्लिट मोल्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप यहां पे एनिमेशन की मदद से देख पा रहे हैं, जो रेड कलर का प्रोडक्ट है यह एक्सटर्नल ग्रूव वाला है और इसको स्प्लिट की मदद से इजिली इजेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों आइए हम कुछ प्रोडक्ट के माध्यम से समझते हैं जो कि स्प्लिट मोल्ड में बनाए जाते हैं। आइए कुछ प्रोडक्ट को देखते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे ए बी सी जो तीनों प्रोडक्ट हैं सब में एक्सटर्नल ग्रूव्स या अंडरकट बने हुए हैं। यह सारे स्प्लिट मोल्ड के प्रोडक्ट हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह स्क्वायर बॉबिन जो है यह भी स्प्लिट मोल्ड से बनाया जाता है। अगला एग्जाम्पल जो है वो है होज पाइप कनेक्टर का, यह भी स्प्लिट मोल्ड से बनाया जाता है क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल अंडरकट। आगे और भी कुछ प्रोडक्ट हैं जिसके आप इमेज में देख पा रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं एक्सटर्नल ग्रूव या अंडरकट बना हुआ है जिसके लिए हम इन्हें स्प्लिट मोल्ड में बनाते हैं। दोस्तों आइए हम आगे जानते हैं कि स्प्लिट मोल्ड को कैसे एक्चुएट किया जाता है, यानी कि जो दो हाफ की कैविटी बनती है उसको कैसे एक्चुएट किया जाता है, कितने प्रकार से एक्चुएट किया जाता है। तो हम जानते हैं कि एक्चुएशन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका फिंगर कैम एक्चुएशन, दूसरा होता है डॉग लेग कैम एक्चुएशन और तीसरा होता है कैम ट्रैक एक्चुएशन, चौथा होता है एंगल लिफ्ट एक्चुएशन, पांचवा होता है स्प्रिंग एक्चुएशन और छठा होता है हाइड्रोलिक एक्चुएशन। तो दोस्तों इन सभी छह एक्चुएशंस के बारे में आगे हम डिटेल में जानेंगे, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला है फिंगर कैम एक्चुएशन। दोस्तों इसको फिंगर पिन एक्चुएशन भी कहा जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे अभी मोल्ड क्लोज कंडीशन में है और फिंगर पिन जो है या फिंगर कैम जो है स्प्लिट के अंदर इंसर्टेड है और स्प्लिट को अंदर की तरफ होल्ड करके रखा हुआ है। जैसे ही मोल्ड ओपनिंग कंडीशन में आता है यानी धीरे धीरे खुलता है तो जो स्प्लिट्स हैं बाहर की दिशा में मूवमेंट करने लगते हैं, जिससे यह एक्सटर्नल ग्रूव जो होता है वह धीरे धीरे रिलीज होने लगता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। अब आइए इस फाइनल इमेज में देखते हैं, जब मोल्ड ओपन हो जाता है पूरी तरीके से तो क्या होता है, स्प्लिट जो है पूरी तरीके से खुल जाते हैं और प्रोडक्ट पूरी तरीके से स्प्लिट से छूट चुका होता है, यानी कि निकल चुका होता है और इजीली इजेक्ट हो जाता है। दोस्तों फिंगरप्रिंट मोल्ड में ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि जब मोल्ड क्लोज हो रहा हो या स्टार्टअप कर रहे हो हम, तो उस समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि स्प्लिट या स्लाइडर जो है अंदर की तरफ नहीं हो। अगर यह अंदर की तरफ रहेगा तो इसका होल जो होगा पिन से मैच नहीं होगा और पिन बेंड हो सकता है या डैमेज हो सकता है। दोस्तों अगला है डॉग लेग कैम एक्चुएशन। यह भी फिंगर पिन की तरह ही एक पिन होता है, परंतु यह एंगुलर नहीं होता है जैसा कि फिंगर पिन होता है, यह स्टेप्ड इन होता है जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। जब यह खुलना चालू होता है तो यह जो रेड कलर का एरो है इतनी दूर तक आपका स्प्लिट मूवमेंट नहीं होता है, जब इसके बाद और खुलता है तब स्प्लिट का मूवमेंट होना चालू होता है। यह आपका डिले एक्शन के साथ स्प्लिट मूवमेंट होता है, इसलिए इसको मोल्ड ओपनिंग विद डिले एक्शन भी कहा जाता है। दोस्तों आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि अब स्प्लिट पूरी तरीके से बाहर हो चुका है और प्रोडक्ट बाहर आ चुका है। दोस्तों इसमें भी ध्यान देने वाली सेम वही बात होती है जैसा कि फिंगर पिन में होता है, उसमें भी स्प्लिट स्लाइडर अंदर नहीं होना चाहिए स्टार्टअप के दौरान, नहीं तो पिन डैमेज हो जा सकते हैं। दोस्तों जो डॉगलेग कैम पिन होते हैं यह बहुत ही डिफिकल्ट मेंटेनेंस वाले होते हैं, या अगर गलती से भी डैमेज हो जाए
तो यह बनाने में काफ़ी मुश्किल होते हैं, इसलिए इसका बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। इसकी जगह प्रयोग किया जाता है कैम ट्रैक एक्चुएशन, जो कि अगला एक्चुएशन है। दोस्तों इसमें एक प्लेट में डॉगलेग पिन के जैसा ही ट्रैक बना दिया जाता है, इसलिए इसको कैम ट्रैक कहते हैं। जब यह ट्रैक ओपनिंग होता है, जब मोड ओपन होता है, तो इस ट्रैक से होते हुए स्प्लिट जो है बाहर की तरफ इजेक्ट होता है और प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है। आइए एक एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं हम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही ट्रैक से बाहर की तरफ जाता है तो रोलर पिन की मदद से, जो ये तीर बना हुआ है ये रोलर पिन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इमेज में, रोलर पिन की मदद से ट्रैक से होते हुए स्प्लिट आसानी से बाहर की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों अगला है एंगल लिफ्ट एक्चुएशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, पहली इमेज में यहाँ पे स्प्लिट क्लोज कंडीशन है, यानी कि बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि आपका इजेक्टर प्लेट बैकवर्ड है और वहीं दूसरे में आपका स्प्लिट खुला हुआ है, इसमें इजेक्टर प्लेट आगे है, यानी कि फॉरवर्ड कंडीशन में है, यानी कि इजेक्टर प्लेट की मदद से लिफ्ट करके स्प्लिट को खोला जाता है, न कि मूवमेंट किया जाता है एक दूसरे के विपरीत। दोस्तों आइए आप क्रॉस सेक्शन की मदद समझ पाते हैं इसको। इसमें देख पा रहे हैं जो आपका पिन है वह इजेक्टर प्लेट पर रेस्ट कर रहा है, यानी कि टिका हुआ है, और जैसे ही इजेक्टर प्लेट को आगे पुश किया जाता है, यह पिन को पुश करता है और एंगुलर मूवमेंट की वजह से यह पिन जो होता है स्प्लिट को बाहर की दिशा में, दोनों को एक दूसरे के विपरीत की दिशा में पुश करके ओपन करता है, जिससे प्रोडक्ट इजीली इजेक्ट हो जाता है। अगला एक्चुएशन है स्प्रिंग एक्चुएशन। दोस्तों इस प्रकार के एक्चुएशन में स्प्रिंग की मदद से स्प्लिट को मूवमेंट दिया जाता है, जैसा कि आप यहां एनिमेशन में देख पा रहे होंगे। जैसे ही मोड खुलता है तो स्प्रिंग की टेंशन की वजह से स्प्लिट आउट हो जाता है, यानी कि खुल जाता है और प्रोडक्ट से रिलीज हो जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। दोस्तों इसका प्रयोग छोटे ग्रुप्स या अंडरकट के लिए किया जाता है। अगला है हाइड्रोलिक एक्चुएशन। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें सिलेंडर लगे होते हैं जिसके आगे पीछे मूवमेंट के, यानी कि सिलेंडर रॉड जो होता है वो मूवमेंट करता है आगे पीछे, और वो अटैच होता है हमारे स्प्लिट या अंडरकट वाले इंसर्ट के साथ, जो कि मूवमेंट करने के बाद उसको इजेक्ट करता है या इन करने के बाद उसमें जाता है। तो इस प्रकार के एक्चुएशन को हाइड्रोलिक एक्चुएशन कहते हैं। और अगर हाइड्रोलिक की जगह न्यूमेटिक सिलेंडर लगा दिया जाए तो यही फंक्शन न्यूमेटिक एक्चुएशन भी कहलाता है। दोस्तों आशा करते हैं कि हमने स्प्लिट के बारे में सभी कुछ आपको समझाया है और अच्छी तरीके से समझाया है। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको ये सारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हों। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।